हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी और उनके बेटे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन इस वक्त अंदर एक गुप्त और बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तय होगा कि अब आगे क्या करेंगे। नीतीश कुमार को तो गच्चा उन्होंने दे दिया, लेकिन अब अपनी राह को आसान कैसे बनाएंगे, कैसे बीजेपी की तरफ से जो उनकी तरफ पत्ते फेंके जा रहे हैं उसको समेटा जाए या छोड़ दिया जाए, इसको लेकर ये पूरी चर्चा अंदर चल रही है। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, हम लोग 25 एम स्ट्रैंड रोड पटना में मौजूद है और ये जो पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन का ये पूरा आवास है, आपको बता दें कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के ये पहले मंत्री थे, लेकिन अब इस्तीफा दे चुके हैं तो पूर्व मंत्री हो गए हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे बिहार में महादलित वोटर्स जिसका प्रतिशत 2 है, वो भले ही वोटर्स की संख्या में कम हो लेकिन प्रभाव के मामले में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मांझी जब जब पाला बदलते हैं तो बिहार में बहुत हलचल हो जाती है, और मांझी को लेकर इसलिए भी ये हलचल तेज़ है क्योंकि मांझी बिहार के पूर्व सीएम तो रह ही चुके हैं, बल्कि जितनी भी यहाँ पर सरकारें रही हर सरकार में मांझी ने अपना सिक्का जमाया है और मंत्री बने रहे। तो क्या 2024 में भी मांझी कुछ बड़ा करने वाले हैं? 2025 के लिए क्या मांझी अभी से ये तैयारी कर रहे हैं कि कैसे आगे अपने बेटे को बढ़ाया जाए, कैसे आने वाली सरकारों में अपनी कई सीटों को मजबूत किया जाए, ये सब चर्चाएँ अब तेज हो चुकी हैं। सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं कि आखिर संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया क्यों। तो आप जानते हैं कि मांझी ने खुलकर कह दिया था कि हमें 5 लोकसभा सीटें दीजिए, अब हमारी पार्टी अच्छा खासा काम कर रही है, हम प्रभावशाली हैं बिहार में, इसीलिए हम 5 सीटों से कम में राजी नहीं होंगे। नीतीश कुमार के लिए, महागठबंधन के लिए ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि 7 दल एक साथ है। तो आरोप ये भी लगा कि हम में दबाव बनाया जा रहा था, यानी जीतन राम मांझी पर दबाव ये बनाया जा रहा था कि वो अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर ले, तो इन सब के चलते ये इस्तीफा दिया गया है। लेकिन अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात ये है कि कहीं ना कहीं संतोष सुमन जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी करना चाहते हैं आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। आपने कई बार सुना होगा कि जीतन राम मांझी कई मंच से ये बोलते नजर आए, उनके कई कार्यकर्ता ये भी ये कहते नजर आए कि संतोष सुमन क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उनके अंदर तेजस्वी से कम क्षमता नहीं है, उनके अंदर भी सभी गुण मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये सपना भी, जैसा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का बुन रहे हैं, वैसा ही कुछ सपना संतोष सुमन बिहार का मुख्यमंत्री बनने का बुन रहे हैं। अब ये जो सुहावने सपने हैं कितने पूरे होंगे ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में मांझी दबाव डालने की राजनीति जोरों शोरों से कर रहे हैं और इसका असर भी नज़र आ रहा है। देखिए, पूरे देश में एक तरफ नीतीश कुमार सारे विपक्षी दलों को एक साथ ला रहे हैं, लेकिन बिहार में मांझी के इस कदम से तगड़ा झटका लगा है नीतीश कुमार को। और साथ ही साथ नीतीश कुमार अगर एनडीए में आते हैं तो अपने मनमर्जी की सीटें लेकर ही आएंगे, ऐसे वो बीजेपी के पाले में आने वाले तो बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इससे अरे रणनीति को लेकर अंदर जो है यही पूरी बैठक चल रही है, और अभी कुछ समय में ही ये तय हो जाएगा कि मांझी किधर जाने वाले हैं, किसका पलड़ा मांझी भारी कर देंगे और किस के पड़ले को झुका देंगे, खुद मांझी अपने लिए और कितनी सीटों पर मजबूती दिखाएंगे, ये सब तय हो रहा है अंदर। और पता है आपको कि 2024 का जो चुनाव है चंद महीने बचे हैं, ऐसे में मांझी की रणनीति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है। पूरी नज़र हमारी इस पर रहेगी और क्या कुछ होगा हम आपको आगे भी बताएंगे। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।